Please subscribe to this channel for more videos. Thank you. एक गांव में सोनू और मोनू दो भाई रहता था। दोनों बहुत ही चालाक और धूर्त था। लोगों को ठगना उनका काम था, पर गांव के लोग धीरे धीरे समझदार होने लगे और उनका यह ठगना ज्यादा दिन तक नहीं चला। जैसे ही लोग उन दोनों को देखता था, उनसे दूरियां बना लेता था। और उन दोनों को भी ये समझ में आ चुका था कि ये काम उन दोनों का और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एक दिन दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे थे। सोनू मोनू से कहता है, भाई मुझे लगता है हमें दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। गांव के लोग काफी चालाक हो चुके हैं, उन लोगों को ठगना अभी बहुत मुश्किल है। हाँ भाई, हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, मोनू कहता है। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, आओ बताते हैं। सोनू मोनू को अपना प्लान बताता है। वो सुन के मोनू बहुत खुश हो जाता है। सोनू और मोनू एक भूत और एक साधु के वेश पहन लेता है। उसके बाद से गांव में सब अच्छे चलने लगा। लोग सोनू और मोनू को भूलने लगा। तभी एक दिन कुछ गांव वाले काम करके अपने घर लौट रहे थे। तभी पीछे से उनको कुछ आवाज सुनाई दिया। वो लोग देखा कि सफेद चादर में पेड़ में से कोई उल्टा लटक रहा है। देख के उन सब के पसीने छूट गए। वो लोग वहां से चिल्लाते हुए दौड़ने लगा, बचाओ, भूत, 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 बचाओ। कुछ दूर जाने के बाद उन लोगों को आगे आते हुए एक संत दिखाई दिया। वो लोग उस संत के पास गए और उन्हें सारी कहानी बताया। कहानी सुनके संत ने मुस्कुराया और कहा, बस तुम लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इस गांव में आ गया हूँ, कल तुम सब मेरे पास आ जाना, मैं उसका उपाय निकालूंगा। और सुबह होते ही वो सब उस साधु के पास गए। साधु एक बड़ा सा पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। उन सबको देख के साधु ने कहा, कल रात मैं तुम लोगों के लिए एक उपाय निकाला। कल मैं उस भूत से बात किया, वो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है, पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं इस गांव में रहूंगा, तुम लोगों का कुछ अनर्थ होने नहीं दूंगा। उस भूत से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, दान। तुम्हें मुझे कुछ दान करना पड़ेगा। जैसे ही तुम मुझे सच्चे मन से कुछ दान करोगे, वो भूत तुमसे दूर चला जाएगा। और ऐसे ही हुआ। जिसे वो भूत दिखाई देता था, वो आके उस साधु को कुछ भेंट करता था और भूत उससे दूर चला जाता था। पर जो दान देने से मना करता था, मोनू भूत बन के उसे बहुत डराता था। डर के मारे वो साधु के पास ही आता था और फिर उन दोनों की अच्छी कमाई हो जाता था। और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। और एक दिन उस पेड़ में एक असली भूत आ गया और वो इन दोनों की हरकत ऊपर से देख रहा था। जैसे ये लोग गांव वाले को लूट रहा था, भूत वो देख के बहुत दुखी हुआ। सोनू और मोनू अपने पूरा दिन की कमाई अपने घर में बैठ के हिसाब कर रहा था। तभी उनके सामने वो असली भूत आ गया, पर वो लोग उस भूत को देख नहीं पा रहा था। भूत ने अपने जादू चलाया और सारे पैसों को गायब कर दिया। वो लोग ये देख के बहुत डर गया और दौड़ते हुए बाहर गया, बचाओ बचाओ भूत भूत बचाओ भूत बचाओ। जैसे ही वो दौड़ने लगा, भूत उसके सामने आके गिरा। भूत को सामने देखकर वो दोनों बहुत डर गया और उसे कहा, क्यों हमारे पीछे पड़े हो, हमारा क्या गलती है, हमें छोड़ दो। ये सुन के भूत बहुत गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है, क्या लोगों को ठगना ये गलती नहीं है, मैं सारे चीज इस पेड़ के ऊपर से देख रहा था, आज तुम्हें सबक सिखाने का दिन आ गया। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो, और ये गलती कभी नहीं होगा। सोनू और मोनू भूत के सामने गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। ठीक है, मैं एक शर्त पे तुम दोनों को छोड़ सकता हूँ, कल सुबह होते ही तुम गांव वालों से माफी मांगोगे और इस गांव छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। अगर कभी भी तुम किसी को फिर से ठगोगे तो मैं तुम्हारे सामने फिर आ जाऊंगा। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, कल हम दोनों इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और कभी किसी को नहीं ठगेंगे, हमें माफ कर दो। और अगली सुबह सोनू और मोनू गांव वालों को अपने सच्चाई बताता है।
और उस गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। उन दोनों दूसरे गांव में जाके मेहनत से काम करता है। अब लोगों को ठगना तो दूर, वो अभी लोगों का मदद करता है। भूत के डर से वो फिर से सही रास्ते पे आ गया। Please subscribe to this channel for more videos. Thank you.